आज जो देखना है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपका जो क्वेश्चन आएगा वो कहेगा मोनोएटॉमिक या तो डाई एटोमिक के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट कीजिए, आपका क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं उसको कैसे निकालते हैं, डेरिवेशन कैसे करते हैं, ठीक है। उसको डेरिवेशन करने के लिए एक कंटेनर लेते हैं और कंटेनर के अंदर कुछ गैस भर देते हैं, ठीक है। और गैस का जो मास होगा वो प्रत्येक मास होगा प्रत्येक मॉलिक्यूल का वो एम होगा मास, ठीक है। मास ऑफ प्रत्येक मॉलिक्यूल मतलब ईच मॉलिक्यूल का मास एम है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है, वो टेम्परेचर है। और एफ जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसका, प्रत्येक मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। एक चीज होता है सी बी, ठीक है। सी बी को डिफिनेशन जब लिखते हैं हम लोग, सी बी को डिफाइन करते हैं तो डेल यू बाय डेल टी करते हैं। यू क्या है, यू एनर्जी है, ठीक है। मतलब गैसेस मॉलिक्यूल के पास जितना एनर्जी है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, तो क्या आता है, सी बी आता है, ठीक है। तो ये सी बी का डिफिनेशन ये है। तो यहाँ से पता चलता है कि हमको सबसे पहले यू निकालना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने यू मतलब एनर्जी को यहाँ निकाला है कि टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होता है गैसेस मॉलिक्यूल का सिस्टम में। तो यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होता है और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी वो कुछ होता है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, ठीक है, क्योंकि आइडियल गैस को भरे हैं और आइडियल गैस का पोटेंशियल इंटरमोलिकुलर होता नहीं है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया था किसमें, इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी में, कि एनर्जी जो पार्टीशन इक्वली पार्टीशन होता है मतलब बराबर बराबर विभाजित होता है प्रत्येक गैसेस मॉलिक्यूल में, ठीक है, वो कितना होता है कि हाफ के टी होता है। के क्या है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये टी टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जैसा कि यहाँ मान रखें। काइनेटिक एनर्जी इतना मैंने बोल दिया, ठीक है, लेकिन मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूल है एन, एन मॉलिक्यूल है, और उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, ठीक है। तो यहाँ से यू इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ एफ एन के टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाफ लिखें, एफ को रहने दें, एन के इक्वल टू आर बोलते हैं, एन के इक्वल टू आर यहाँ साइड में लिख देंगे ताकि समझ में आ जाए बाद में, एन के इक्वल टू आर, और यू का डिफिनेशन इस प्रकार से आ गया, ठीक। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सी बी इक्वल टू, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं सी बी। हाँ, वो क्या था कि फ़ोन आने की वजह से डिस्टर्ब हो चुका था, मोबाइल से शूटिंग होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाफ एफ आर टी, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ गया, हाफ एफ आर, ठीक है, ये आ गया, और ये निकल गया क्या, सी बी, ठीक है। सी बी का क्या नाम है, अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इसीलिए सब फिक्स में यहाँ पे लगा हुआ है भी, ठीक है। आगे चलते हैं और निकालते हैं सी पी। तो सी पी निकालने के लिए वी नो क्या निकालते हैं, वी नो कैसे जानते हैं, जानते हैं ये कि सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ से सी पी को निकाल सकते हैं, सी पी इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस सी वी, आर के जगह पे आर है और सी वी के जगह पे हाफ एफ आर, यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं तो क्या आएगा, आर इंटू वन प्लस एफ बाय टू, ये क्या आ गया, सी पी आ गया, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, चलो भाई दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है। अब इधर आ जाते हैं, ठीक है, अच्छा क्या करते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, चलिए ठीक है, ये सी पी निकाल चुके हैं यहाँ पे और सी भी निकाल चुके हैं यहाँ पे। एक चीज आता है गामा, क्या आता है वो, गामा, जिसका डिफिनेशन क्या होता है, सी पी बाय सी भी,
ये होता है ना गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी, आपको पता होना चाहिए क्या गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी। आपको नहीं दिख रहा है, कैमरा थोड़ा स्ट्रैक कर दिया, अब दिख रहा होगा ठीक है। गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी ठीक है। तो यहाँ से देखिए सी पी का वैल्यू कितना है, आर इंटू, नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पे कोई बात नहीं, आर इंटू वन प्लस एफ बाई टू, आर इंटू वन प्लस एफ बाई टू ठीक है। और सी बी का वैल्यू कितना है, वन बाई टू एफ आर ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करने पर क्या होता है, आर आर कैंसिल, आर आर कैंसिल, चलिए ठीक है आर आर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आर कैंसिल तो टू पर चल जाएगा ठीक है, इन टू वन बाई एफ प्लस वन बाई टू। देखिए आर आर कैंसिल हुआ, ये टू ऊपर चला गया ठीक है, और ए एफ से इसमें भी भागा दे रही है, ए एफ से इसमें भी भागा दे रही है ठीक है। अब टू को अंदर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू को अंदर कर सकते हैं, तो कितना आएगा, वन प्लस टू बाई एफ, ये क्या आया, ये आया गामा इक्वल टू ठीक है। गामा का वैल्यू कितना आया, वन प्लस टू बाई एफ ठीक है। अब ये एफ क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपको पता होना चाहिए ठीक है। आपको पूछे थे क्वेश्चन, क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिए किसके लिए, मोनो एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक के लिए। आपको मैंने बताया था डिग्री ऑफ फ्रीडम में कि ये डिटेल से बताया था ठीक है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम वो मोनो एटॉमिक गैस का कितना होता है, डाई एटॉमिक गैस का कितना होता है और ट्राई एटॉमिक गैस का कितना होता है, और सोन इस प्रकार मैंने बताया था ठीक है। तो उसको यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं फोर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस दिख रहा है बोर्ड पे, चलिए यहाँ तक दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ इक्वल टू कितना होता है, थ्री। यदि ये आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप देख सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि एफ इक्वल टू थ्री कहाँ से आता है ठीक है। ठीक, अब आपको बोलेगा क्या कि सी पी निकालने, सी पी निकाल दीजिए, सी बी निकालने, सी बी निकाल दीजिए ठीक है, हाँ सी पी और सी बी निकालने बोलेगा तो निकाल दीजिए, इसीलिए ठीक है सी पी इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो सबसे पहले सी बी निकालिए, सी बी इक्वल टू कितना है, हाफ एफ के जगह पे थ्री और आर के जगह पे मतलब थ्री बाई टू आर ठीक है। और सी पी निकालना है तो आर इंटू वन प्लस थ्री बाई टू मतलब कितना, फाइव बाई टू आर, कितना फाइव बाई टू आर दिख रहा है बोर्ड में, चलिए ठीक है फाइव बाई टू आर आ गया इसका सी पी बाई सी। और यदि ये गामा निकालने बोले तो गामा इक्वल टू सी पी बाई सी बी है ना, सी पी बाई सी बी कर दीजिए कितना आएगा, ना तो नहीं करना है तो सीधे यहाँ पे पुट कर दीजिए, वन प्लस टू बाई थ्री कितना है, फाइव बाई थ्री ठीक है। हम समझते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरा है क्या, फोर डाइएटोमिक गैस, डाइएटोमिक गैस ठीक है। ये डाइएटोमिक गैस के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू कितना होता है, फाइव ठीक है, तीन लीनियरली मोशन के कारण ठीक है, और दो होता है किसके कारण, रोटेशनल मोशन के कारण ठीक है। तो पांच होता है उसका वैल्यू, वहां पे हम लोग पुट करेंगे ठीक है, पुट करेंगे यहाँ पे देखिए, तो सी बी इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, सी बी इक्वल टू दिख रहा है बोर्ड में, नहीं दिख रहा है, चलिए एक लाइन दिख रहा है, सी बी इक्वल टू हाफ इंटू फाइव आर मतलब ये कि फाइव बाय टू आर क्या आया, सी बी आया ठीक है, चलिए अच्छी बात है। और सी पी यदि निकालना चाहें तो सी पी के लिए आर इंटू वन प्लस फाइव बाय टू, इसका मतलब ये है सेवन बाय टू आर, ये हो गया सी पी ठीक है। और यदि गामा निकालना चाहें तो गामा यहाँ से निकालते हैं,
कहाँ से, यहाँ से कितना, 1 प्लस 2 बाय 5 कितना हो गया, 7 बाय 5। ठीक है, तो इस प्रकार से मोनो डाई और ट्राई एटोमिक का भी आप निकाल सकते हैं। क्यों, ट्राई एटोमिक का कितना होता है बोलिए, ट्राई एटोमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 6। ठीक है, तो गामा इक्वल टू यहाँ से निकाल सकते हैं 1 प्लस 2 बाय 6, मतलब कितना 6 to 8 बाय 6, मतलब 4 बाय 3। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, चलिए ठीक है, 4 बाय 3 आपको समझ में आ गया। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ से सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या है, सीपी इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आप निकाल दीजिएगा। सीपी इक्वल टू कितना होता है, आर इंटू 1 प्लस f/2, एफ के बदले 6 पुट कीजिएगा, हो जाएगा 4 यार, कितना हो जाएगा 4। किसके लिए, ट्राई एटोमिक केस के लिए, किसके लिए, ट्राई एटोमिक केस। ठीक है, इस प्रकार से वीडियो एंड होता है। यदि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ, तो एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ दिख जाए। ठीक है, ऊपर से देख लीजिए और इसी से आप अपना नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन सा टर्म किस प्रकार से लिखे हैं समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते रहिए, थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी आने में, तो क्या करें, चलिए ठीक है।